Hi guys, welcome or welcome back to my channel. And if you're seeing me for the very first time, my name is Ankita and I make videos related to fashion, beauty, lifestyle and anything and everything that comes under the umbrella. So, aaj ki video mein I am going to share my top 10 makeup products from one single brand, which is Insight Cosmetics. I have this box full of stuff जो कि सारा का सारा Insight Cosmetics है. And trust me, जब मैंने ये brand try करी थी, एक के बाद एक एक products, every product surprised me. बहुत limited products थे जिन्होंने as per expectation perform नहीं किया या they were a miss, but most of the products that I have tried, सब के सब इतने amazing है. And I have shortlisted 10 products जो एकदम वर्थ है फॉर योर मनी एंड दे परफॉर्म जस्ट अमेजिंगली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई स्टार्ट विद माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. और अगर आप ऑयली स्किन के हो मेरी तरह तो आपको भी ये प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आएगा. या तो आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी फेमस इनसाइट का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. और दिस इसकी कंसिस्टेंसी इज एग्जैक्टली लाइक बेनिफिट का प्रोफेशनल. ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है बट प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है. एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली फॉर माई ओपन पोर्स. मेरे को चीक्स पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और ये सारा का सारे मेरे पोर्स फिल कर देता है, उनको ब्लर कर देता है. एंड द मेकअप जस्ट सिट्स अमेजिंगली. इतना फ्लॉलेस बेस होता है जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ. आई स्टार्टेड By trying इसका ये मिनी वाला. आई हैव बोथ ऑफ देम. तो ये मुझे इतना पसंद आया. और ये मोस्टली आपको अमेजोन नायका सब जगह आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा. सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो जब भी स्टॉक में मिले तो यू कैन ऑलवेज परचेज दिस एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. आई थिंक ये जो मिनी ट्यूब है ये अंडर 100 रुपीज़ है और ये शायद अंडर 300 रुपीज़ है. मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड प्रोडक्ट, वो भी एक बेस प्रोडक्ट ही है, विच इज़ दिस इनसाइट की पोर कंसीलर पैलेट. और मुझे इसका सबसे अच्छा जो शेड लगता है दैट इज़ दिस डार्क ब्राउन शेड और ये जो कंसीलर सॉर्ट ऑफ शेड है. तो दिस वर्क्स परफेक्टली एज अ कॉन्टोर शेड फॉर मी. और इसको मैं एज अ सेम शेड कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ जस्ट टू कवर अप माई डार्क सर्कल्स. आई डोंट हैव दैट मच डार्क सर्कल्स की मुझे ऑरेंज करेक्टर की यूज़ पड़े. बट ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी कंप्लीट पैलेट. इफ़ यू हैव वेरी पिगमेंटेड एक्सट्रीम डार्क सर्कल्स तो इसमें एक ऑरेंज कलर करेक्टर भी है, एक येलो लाइटर कंसीलर शेड भी है विच इज आई बिलीव थोड़ा सा ज़्यादा येलो टोन पे, बट दिस विल वर्क फॉर अ लॉट ऑफ स्किन टोन्स. एंड देन यू हैव क्लोज टू योर स्किन शेड मैच कॉन्टोर शेड एंड दिस इज़ फॉर एक्ने एंड रेडनेस. सो ऑल इन ऑल ये बहुत कंप्लीट पैलेट है और जो इसका पिगमेंटेशन है दैट इज जस्ट अमेजिंग. मतलब मुझे सिर्फ इससे ही अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है और जो कॉन्टोर शेड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सूटेबल. आई बिलीव अगर आप मेरे स्किन टोन के हो या मुझसे थोड़ा सा एक टोन लाइटर या एक टोन डार्कर हो तो भी दिस विल वर्क फॉर यू. और इसकी भी प्राइस कुछ विद इन 200 रुपीज़ की क्लोज थी. सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज के हिसाब से. सिर्फ दो और बेस प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद वील मूव ऑन टू लिप्स एंड आईब्रोज एंड आई लाइनर्स. सो पहला है ये ब्लशर, इनसाइट का वेरी फेमस ब्लशर. दिस इज ऑल्सो विद इन 100 रुपीज़. एंड लेट मी टेल यू, सो बिफोर यूजिंग दिस आई वॉज यूजिंग द एट्यूड हाउस का वाटर टिंट. क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है सो आई डोंट लाइक अप्लाइंग क्रीम ब्लशर्स जनरली, कि वो इतना स्टे नहीं करते मेरे फेस पर, मेल्ट कर जाते हैं. बट आई कॉन्ट टेल यू कि जब से मैंने इसको ऑर्डर किया है और इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, आई कॉन्ट स्टॉप यूजिंग इट. इसका पिगमेंटेशन इतना अमेजिंग है. रुको, लेट मी गिव यू अ स्वॉच. जस्ट लुक एट द स्वॉच. और अब ये हैंड पे बहुत पीच लग रहा है लेकिन ब्लेंड होके ना इतना अच्छा कवरेज देता है ये, इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है फेस में. और बहुत मतलब ना ही ये ज़्यादा मैटिफाइंग है ना ही ये ज़्यादा ऑयली ड्यूई लुक देता है. आई हैव दिस ऑन माई फेस राइट नाउ एंड आई जस्ट कॉन्ट स्टॉप यूजिंग इट. मेरा हाथ जब से मैंने इसको ट्राई किया सिर्फ इसी पे पहुँचता है. और दिस इज़ इन द शेड स्ट्रॉबेरी डिप. आई रियली लाइक द शेड, आई रियली लाइक द फॉर्मुलेशन. और मतलब आई डोंट नो हाउ इनसाइट इज डूइंग दिस, बट गेटिंग दिस अंडर 95 रुपीज़ या 100 रुपीज़ इज जस्ट अमेजिंग. एंड इफ यू वर लुकिंग टू ट्राई आउट अ न्यू क्रीम ब्लश, यू शुड
थिंक अबाउट दिस. और इसी से मिलता जुलता जो लास्ट बेस प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ये सेम इसी रेंज का इनसाइट का हाईलाइटर. दिस इज इन द शेड कॉस्मिक पावर. इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स हैं एंड अगेन दिस इज नॉट टू क्रीमी कि ये आपके स्किन को ऑयली या ग्रीजी बना दे, बट एट द सेम टाइम इसमें ना बहुत मोटे मोटे शिमर पार्टिकल्स नहीं है कि आप डिस्को बॉल लगो. लेट मी गिव यू इसका भी स्वॉच. फेस और हैंड के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो मे भी आपको इसमें विजिबल नहीं हो रहा होगा इसका शेड, बट ये बहुत ही सटल ग्लो देता है कि लाइक आई हैव दिस ऑन माई फेस राइट नाउ. और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि दिस एसिड इज नॉट लुकिंग कि बहुत ज़्यादा ऊपर से लगाया हुआ है, ना ही मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ग्रीजी कर रहा है, ना ही ओवर ड्यूई लुक दे रहा है या मैटिफाई कर रहा है. बहुत अमेजिंग कंसिस्टेंसी है और शेड भी बहुत सटल है. मतलब यू कैन गो अ लिटिल ओवर बोर्ड विद दिस एंड स्टिल यू विल नॉट रिग्रेटेड. सो दिस इज also amazing. Done with all the base products, face base products. Now let's move on to some of the eye products, eye stuff. I have this eyebrow pencil from Insight and this is a two-way eyebrow pencil. Iske ek side pe ye spoolie hai which you can use to brush and tame your eyebrows, aur dusre side pe obviously ye eyebrow pencil hai which is slightly in a warmer brown color. So I have used this and I really like the formulation. बहुत ही वैक्सी भी नहीं है लेकिन बहुत ऐसे पुल भी नहीं करना पड़ता. ऐसा भी नहीं है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ आईब्रो पेंसिल्स के साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि इफ़ दे ग्लाइड ऑन स्मूथली तो वो ब्लीड करने लगती है यहाँ से बिकॉज ऑयली आईलेट्स और सारा ऑयली फेस की वजह से, बट दिस डज नॉट डू दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई. आपको बहुत पुल और टग नहीं करनी पड़ती अपनी ये ब्राउ के आसपास की स्किन, सो दैट वीज इट इज़ वेरी गुड. और बहुत ही ऐसे स्टार्क लाइन नहीं दिखती है. अगेन आई हैव दिस ऑन माई आईब्रोज टूडे, सो लाइक दिस वेरी मच. जो नेक्स्ट आई प्रोडक्ट है मेरे पास विच इज दिस आईब्रो लैश मस्कारा. दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर आईब्रोज, आप इसको किसी भी मतलब आप अपने आई लैशेज के लिए भी यूज कर सकते हो, आईब्रोज के लिए भी यूज कर सकते हो, बट आई यूज इट मेनली टू सेट माई आईब्रोज. सो आई डोंट यूज इन ब्राउ जेल या ब्राउ पोमेड, बट आई प्रेफर यूजिंग. और ये बहुत ही ऐसे क्लियर मस्कारा है. व्हाट इट डज इज कि इससे जो आपकी सारी के सारी ब्राउ हेयर होते हैं ना ये एक जगह पे सेट हो जाते हैं एंड देन दे डोंट लाइक सिट डाउन ऐसे, तो बहुत ही थोड़ा सा स्नैच्ड लुक आता है. सो आई यूज इट स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पज, बट यू कैन यूज इट ऑन योर आई लैशेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर फेवरेट कैटेगरी विच इज़ लिप्स प्रोडक्ट्स. सो इसमें मेरे पास एक लिप लाइनर है और बाकी के तीनों प्रोडक्ट लिपस्टिक्स हैं. सो वील फर्स्ट स्टार्ट विद लिप लाइनर. और ये है मेरे पास इनसाइड का ग्लाइड ऑन लिप लाइनर. टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ लिप लाइनर्स इन जनरल. मैंने इससे पहले मार्स का ट्राई किया था एंड दैट इज़ गुड. बहुत इनएक्सपेंसिव है, 65 रुपीज़ का, बट उसके साथ ना मुझे कुछ प्रॉब्लम है. एक तो अगेन उसको बहुत मुझे ऐसा लगा कि मुझे टग एंड पुल करना पड़ता है, और दूसरा कि उसको शार्प करना पड़ता है बार बार, एंड वाइल शार्पनिंग उसकी जो पॉइंटेड टिप है वो पता नहीं कैसे बट वो वापस से सेम शेप नहीं आती है. सो दिस रिटेल्स फॉर क्लोज टू 100 या 120 रुपीज़. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ ये एक रिट्रैक्टेबल पेंसिल की फॉर्म में है. सो यू डोंट हैव टू शार्पन इट, यू डोंट हैव टू फियर अबाउट, वरी अबाउट कि इसकी टिप चली जाएगी. एंड उसके अलावा बस इसका फॉर्मुलेशन आप देखना कैसे मक्खन की तरह ये ग्लाइड करता है. लुक एट इट, ये इतना स्मूथली अप्लाई होता है आपके लिप्स पे. अगर कोई लिप्स में क्रैक लाइंस हैं कुछ है तो वहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि आपको जोर लगाना पड़ रहा है. और मैंने एक ही शेड ट्राई किया इसका एंड दिस शेड ऑनेस्टली आई एम इन लव विद. मैं अपने ऑलमोस्ट सारे लिपस्टिक्स के नीचे ये शेड एज अ बेस अप्लाई करती हूँ. दिस इज़ इन द शेड 035 चेक. दिस इज़ अ वेरी प्रिटी मॉव न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ कलर. सो अगेन अगर आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हो इन साइट में से, सो डू गिव दिस लिप लाइनर अ ट्राई. ओके, सो जो लास्ट के तीन प्रोडक्ट्स हैं वो तीनों के तीनों लिपस्टिक्स हैं, लिप प्रोडक्ट्स. सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहली है ये इनकी इनसाइट की नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक रेंज. इसकी अच्छी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि दिस कम्स इन अ मिनी साइज एंड अ फुल साइज, सो यू कैन फर्स्ट
चूज अ मिनी साइज एंड डिसाइड कि अगर आपको वो लेनी है कि नहीं. जो ऑनेस्टली सेइंग अभी ये जो दो शेड है मेरे पास, दीज आर नॉट माय मोस्ट फेवरेट शेड्स, बट इस रेंज में से एक मेरा अल्टीमेट फेवरेट शेड है विच इज 01 जॉयफुल. एंड इफ यू आर अ न्यूड या ब्राउन लिपस्टिक लवर, यू शुड गिव दैट शेड अ ट्राई. बट इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अमेजिंग है, इसका स्टे पावर बहुत अच्छा है, बहुत ड्राई भी फील नहीं होता. दिस डज नॉट मेक योर लिप्स लुक क्रैक्ड. सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. और आई बिलीव ये जो इसका मिनी लिपस्टिक्स है दे कम अंडर या क्लोज टू 100 rupees. ये मैं आपको इसका डार्क मॉव या पर्पल कलर दिखा रही हूँ. जस्ट लुक एट द पिगमेंट. और एक बार ये सेट हो जाता है उसके बाद इट डज नॉट बज. सो अगर इफ यू आर इन अ बजट बट लुक आउट फॉर अ गुड मैट लिपस्टिक, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट इन साइड के स्पेसिफिकली ये मिनी वाले लिपस्टिक्स. एंड जस्ट लुक एट, अगर एक बार मैं ये वाला भी दिखा देती हूँ. ऑल दो दिस इज नॉट माई मोस्ट फेवरेट शेड, ये मैंने ऑनलाइन देख के मंगा लिया और दिस इज टू ब्राइट फॉर माई लाइकिंग, तो ये मैं अप्लाई नहीं करती हूँ. But if you are somebody who likes bright pink colors, so you can give this also a try. ये जो shade है pink, this is shade number 15, pink play. और अगर आपको ये नहीं भी पसंद आया तो भी shade number आपको help करेगा कि आपको कौन सा choose नहीं करना है. Nykaa के app पे ये बहुत light, subtle pink shade दिख रहा था. And जो ये दूसरा वाला है, this is V20 Wine Fantasy. नेक्स्ट लिपस्टिक है, दिस इज नॉट लिपस्टिक, लिप ग्लॉस बाई इनसाइड. एंड आई थिंक कि ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट, बट बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये. दिस इज इन द शेड 13 टेम्पटेशन और ये इनसाइड का लॉन्ग वेयर कलर रिच लिप ग्लॉस रेंज में है. पहले लेट मी शो यू द स्वॉच ऑफ दिस. आई हैव दिस शेड ऑन माई लिप्स राइट नाउ और ये बहुत ही ना ब्रिक ऑरेंज और न्यूट ब्राउन के बीच का कलर है, जो वाइट गिर जाएगा. एकदम सही अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन है इसमें डिस्पाइट बीइंग अ लिप ग्लॉस. बहुत सारे ऐसे लिप ग्लॉसेस होते हैं जिनमें शाइन अच्छी होती है बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पिगमेंटेशन. सो अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो वो कलर पे ऑफ ही नहीं आता. और नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस ऑफ दिस. दिस रिटेल्स फॉर 85 rupees. आई मीन आई वॉज शॉक्ड कि ये इसका ये प्राइस है. और मतलब मैं बस कुछ बोलने को नहीं है, ये मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस है ऑफ ऑल टाइम. एंड फाइनली वी हैव कम टू आर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस लिस्ट विच इज इनसाइड की न्यूली लॉन्च्ड सीरम लिपस्टिक्स. नो स्मज नो कलर सीरम लिपस्टिक. दिस इज इन द शेड 15 रियो दी जेनेरो. और फर्स्ट लेट मी शो यू द स्वॉच. ये ना सॉर्ट ऑफ सेमी मैट फॉर्मुलेशन, मेरे हाथ की जगह नहीं बची. ये सॉर्ट ऑफ सेमी मैट फॉर्मुलेशन है. अच्छा कैमरे पे एक्चुअली ये पिंक और ये बराबर लग रहे हैं बट नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज अ वेरी प्रिटी या मतलब ब्लेंडेड वर्जन ऑफ मॉव एंड पिंक. और ये ऐसा लग रहा है इन दोनों का जैसे, ओके आई हैव डन अ डिजास्टर, इन दोनों का जैसे आप एक मिक्स बना लो बहुत अमेजिंग सा, तो ये वाला शेड निकल के आएगा. सो दिस इज स्लाइटली लेस ड्राइंग एज कम्पेयर टू ये मैट लिपस्टिक्स. और इनका ये सेमी मैट फिनिश है बट वंस दे ड्राई तो ये ट्रांसफर नहीं होती है और काफ़ी लॉन्ग स्टे है. बट दिस इज ऑन द सेम साइड वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर ऑन द लिप्स. और इसकी फॉर्मुलेशन मुझे स्लाइटली बेटर लगी. एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो. दीज वर ऑल माई फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव कम हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू चेक आउट अदर वीडियोज ऑन माई चैनल. और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट देखना अच्छा लगे या मजा आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.